लेडी जो कि वहां पे शकरपुर की एक बिल्डिंग में किराए पर रह रही थी, उनके कमरे में दो जगह पे बल्ब होल्डर में स्पाई कैमरास इंस्टॉल्ड थे। आगे लेडी से पूछताछ करने पे पता चला कि उनके मकान मालिक के बेटे करण, जो कि खुद भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे, वो उनके कमरे में फ्रिक्वेंटली आते जाते थे और उनको उन्हीं पे शक था कि उन्होंने ही शायद ये कैमराज इंस्टॉल किए हैं। लेडी के शक के आधार पे करण को पकड़ा गया और उसे इंटरोगेट किया गया। तकरीबन 3 महीने पहले जब वो लेडी अपने घर गई थी और कमरे की चाबी उसको देकर गई थी, तो इस मौके का फायदा उठाते हुए करण ने एक चांदनी चौक की एक दुकान से 3 कैमरास खरीदे और उसमें से 2 कैमरास उस लेडी के एक बाथरूम में और एक बेडरूम में इंस्टॉल कर दिया। और उसके बाद से वो उस लेडी का के ऊपर सर्वेलेंस रखने की कोशिश कर रहा था। बस वो बार बार मेरे वॉशरूम के डोर के पीछे पड़ा हुआ था, या तो बंद करके यूज़ किया करो या ऐसे उतरवा दो। वो उतरवाने वाले को भी ले आया था, दरवाज़ा हटाने वाले को। हाँ, लेकिन मैं टेस्ट देने गई हुई थी, मैंने उसे चाबी नहीं दी, मुझे डाउट हो रहा था। फिर मैं वहाँ से आई, मैंने चेक किया तो वॉशरूम में रैम कैमरा था। फिर मैंने सब जगह चेक किया तो रूम में 3 कैमरे थे। फिर जो मैंने खुद कैमरा उतारा था वो मैं शॉप पर चेक करा के लाई, मैंने वहाँ उस लड़के की वीडियो बनाई, जब उसने मुझे कन्फर्म कर दिया ये कैमरा है। और फिर मैंने वो अपने रिलेटिव्स को भेजी तो वो ऑटोमेटिक डिलीट हो गई वीडियो। उन्होंने पूछा कि क्यों डिलीट की, मैंने बोला मैंने नहीं की। फिर मैंने अपनी लिंक डिवाइस चेक की तो मेरा व्हाट्सएप भी हैक था। ये पुलिस वालों ने बताया था, हमें पहले से कुछ नहीं पता था। नहीं, उसके बाद आपको पता चला? हाँ, उसके बाद ये पता चला कि वही कैमरे लगे हुए हैं। अच्छा, हाँ। तो आपके उसके बाद अपने बेटे से कुछ बात हुई हो, बेटे ने कुछ बताया हो आपको? बेटा तो इतना डरा हुआ था, यहाँ पुलिस वालों ने बोला कि भाई अपने फादर को बुला, और उसने डर के मारे बुलाया नहीं। पुलिस वाले ने उसे डांटा भी, कहा भी गलती तो गलती है, गलती चाहे मेरा बेटा है या आपका है या कोई भी है, गलती तो गलती है। जो गलती है वो तो गलती है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, चाहे मेरा बेटा है या किसी का भी है, गलत तो गलत है जी।